खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए मिल रही है कई खुशखबरियां। पहली तो ये कि खेसारी लाल यादव एक बिग बजट की फिल्म लिट्टी चोखा बना रहे हैं, और दूसरी खुशखबरी ये कि खेसारी लाल यादव का गाना पबजी वाला, जो मौगी खेले पबजी है, यूट्यूब ने जो लिस्ट जारी की है उसमें ये दूसरे स्थान पे, यानी कि इस हफ्ते ये गाना दूसरे स्थान पे है जिसे सबसे ज़्यादा पूरी इंडिया में सुना गया है। और अब आपको ये बता दें कि यूट्यूब ने एक और लिस्ट जारी की है जिसमें 6 पायदान पर, यानी कि छठे पायदान पर खेसारी लाल यादव हैं। जी हाँ, जिनके गाने इस वक्त सबसे ज़्यादा सुने जा रहे हैं और वर्ल्ड में खेसारी का 13वां स्थान है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव अब जब बिहार गए ही हैं, और अमूमन भोजपुरी का हर बड़ा सितारा जब बिहार पहुंच ही गया है तो खेसारी लाल यादव अभी लगे हाथ अपने फिल्मों की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, अपने फिल्मों की शूटिंग शुरू करेंगे और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव अपना घर बनवा रहे हैं। जी हाँ, इस पर हम अपना एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे आपको पूरी तरह से डिटेल देंगे कि किस हिसाब से घर बन रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस घर की लागत 5 से 6 करोड़ रुपए है, और ये घर घर नहीं महलनुमा होगा। और इस घर में टेक्निकली देखा जाए तो हर एक वो इक्विपमेंट होंगे जो कि आजकल हर एक घर में सिक्योरिटी के हिसाब से होते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे होंगे और बॉडीगार्ड भी खेसारी लाल यादव यहाँ नियुक्त करेंगे। काफ़ी बड़ा होगा उनका घर, क्योंकि ये घर जो होगा खेसारी लाल यादव का, इसमें सभी लोग रहेंगे। जी हाँ, सभी लोग, यानी कि उनकी जितनी 7 भाई हैं, पूरी फैमिली है, सभी रहने वाले हैं। और अपने घर के सिलसिले को ही लेकर खेसारी का एक और कारण रहा है बिहार आना। साथ ही साथ उन्होंने बिहार आकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से भी मिले, और उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।